जय हिंद दोस्तों, मन की फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिप्लोमा करने के बाद हम कहां कहां नौकरी कर सकते हैं। आप सभी को हम बता दें कि डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ कहाँ हम जॉब कर सकते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद, या प्राइवेट सेक्टर में हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद, या सेल्फ डिपेंडेंट जॉब कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, अगर आपका प्राइवेट कॉलेज मिलता है, सॉरी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आप उसमें एडमिशन लीजिएगा, तो 3 साल बाद जब आप निकलिएगा तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जॉब के तलाश करना ही होगा। तो अभी अगर आप जान लेते हैं कि कहां कहां जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, सेल्फ डिपेंडेंट, अगर यह सभी आप जान जाते हैं तो उसी लेवल से, उसी स्पीड से आप अच्छे से मेहनत भी कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप नहीं मिलता है, मान लीजिए अगर एंट्रेंस एग्जाम आप दिए हैं, अगर आपको पॉलिटेक्निक के प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में मिल रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, दोनों में क्या डिफरेंस है हम आपको बता दें। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ का डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है कि आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, प्राइवेट से कीजिएगा तो आपको पैसा अत्यधिक लगेगा, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से कीजिएगा तो आपको जो है ना पैसा कम लगेगा। और दूसरा क्या है कि आपको मान सम्मान बढ़ जाता है। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से कीजिएगा तो आपको मान सम्मान बढ़ जाता है, वही प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज से कीजिएगा तो थोड़ा सा कम मिलता है। ये हमारे भारत का, ये सोसाइटी का नेचर है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी को बता दें कि अगर आप प्राइवेट से करते हैं या गवर्नमेंट से, उससे कोई मतलब नहीं है। ये जॉब वैकेंसी निकलती है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों पॉलिटेक्निक कॉलेज वालों के लिए भी यह रहती है, ठीक है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं हम लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में कि पॉलिटेक्निक करने के बाद हम सरकारी जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सरकारी जॉब में सबसे नंबर 1 पर आता है रेलवे। आप सभी जानते हैं कि रेलवे में 16 लाख से ऊपर कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें पॉलिटेक्निक, ITI, BTech, हर तरह के SSC के भी स्टाफ, हर तरह के क्षेत्र से रेलवे में जॉब दी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में बहुत सारे नौजवानों का सपना होता है कि हम इंडियन आर्मी में जाएं, तो आप पॉलिटेक्निक करके भी इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लोक कार्य विभाग में भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंचाई विभाग में जा सकते हैं, सिंचाई विभाग में गवर्नमेंट लगता है, गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, ठीक है। उसके बाद ONGC तेल और प्राकृतिक गैस निगम में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये भी गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें भी आप जा सकते हैं। उसके बाद गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। ये भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, हर साल ये निकालती है गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और रेलवे जो है, रेलवे में भी हर साल निकलती है आपको रेलवे JEE के लेवल पर। रेलवे JEE में अगर आपको जॉब लग जाता है ना रेलवे JEE पर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रुतबा वाला ये जॉब है रेलवे का। JEE वैकेंसी में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटेक्निक और BTech का ही ऑप्शन दिया जाता है, ITI और नॉन टेक्निकल वाले छात्र को ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद है भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में आप जा सकते हैं। उसके बाद IPCL इंडिया पेट्रोल केमिकल्स लिमिटेड में जा सकते हैं। उसके बाद NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में भी जा सकते हैं। उसके बाद BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड में जा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि BSNL जो है वो गवर्नमेंट का है, ये नेटवर्क जो है यह गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। और Jio, Airtel, ये सभी आप सभी जानते हैं कि यह है प्राइवेट संस्थान का है, ठीक है। उसके बाद बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी में भी जा सकते हैं। इस तरह के जो गवर्नमेंट सेक्टर है इसमें आप पॉलिटेक्निक करके जा सकते हैं। इसमें हर साल लगभग कई सारे ऐसे वैकेंसी है जो हर साल निकाली जाती है, और कई सारी है जो 2-3 साल पर निकाली जाती है, ठीक है ना। रेलवे का जो JEE वैकेंसी है वो हर साल निकाला जाता है। बिहार के लगभग छात्र जो हैं वो टारगेट करते हैं रेलवे JEE को। आपको हम बता दें, बिहार के लगभग जो स्टूडेंट है वो टारगेट करते हैं रेलवे JEE को। रेलवे JEE के अगर आप पोस्ट पर अगर आप जॉब कर लेते हैं तो आपका जो है ना, आपका लाइफ एकदम फ्यूचर जो है एकदम ऊपर, एकदम A+ का जाएगा, ठीक है, एकदम
वन प्लस का आपको फैसिलिटी, हर चीज़ मिलता है। रेलवे जीव का काफ़ी रुतवा वाला जॉब है, रेलवे जेई जो है काफ़ी रुतवा वाला जॉब है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपको गवर्नमेंट में नहीं लगा, सबको नहीं लग सकता है, आप सभी जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर है इलेक्ट्रिकल एवं पावर फर्मा टाटा पावर BSE Siemens LTD, उसके बाद टू में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्म हिंदुस्तान यूनिलीवर SSC लिमिटेड वोल्टेज वोल्टस इत्यादि में, या सी कंप्यूटर इंजीनियरिंग फर्म TCS HCL विप्रो पोलाराइज इत्यादि में आप सभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑटोमोबाइल मारुति सुजुकी टोयोटा टाटा मोटर्स महिंद्रा बजाज ऑटो इत्यादि या सभी जो प्राइवेट सेक्टर है इसमें भी जॉब कर सकते हैं। उसके बाद एयरलाइंस, काफ़ी सारे छात्र न हैं, अगर आपको प्राइवेट में अगर मौका मिले तो हम आपको बताएंगे कि एयरलाइंस में जरूर जाइएगा। एयरलाइंस में इंडिगो, स्पेस जाइट, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज इत्यादि जो है ना, इत्यादि एयरपोर्ट पर जो केबिन क्रू स्टाफ जो होता है, ग्राउंड स्टाफ, यह सभी में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, ठीक है ना। तो अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब नहीं लगता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं लगता है, तो आप प्राइवेट में, प्राइवेट सेक्टर में एयरलाइंस में जरूर ट्राई मारिए, क्योंकि इसमें काफ़ी रुतवा और काफ़ी फैशनेबल जॉब है, ठीक है। उसके बाद आप संचार फार्म में भारतीय एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन, आइडिया सेल्यूर इत्यादि में, मतलब आप आइडिया का या एयरटेल, रिलायंस या सभी में आप जॉब कर सकते हैं, या सभी टेलीकॉम में भी जॉब कर सकते हैं। यह सभी प्राइवेट सेक्टर है, और यह सभी का जो सैलरी जो है ना प्राइवेट का, यह सभी 20,000 से स्टार्ट होता है और 50-50, 60-60 हज़ार तक जाती है, ठीक है। देखिए प्राइवेट का सैलरी और गवर्नमेंट सैलरी हम आपको बता दें कि प्राइवेट थोड़ा जीरो से स्टार्ट होता है, और गवर्नमेंट का जो सैलरी होता है ना 2 से 5 से इस तरह का स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि प्राइवेट में अगर आप जाते हैं ऑटोमोबाइल मारुति सुजुकी टाटा मोटर्स इसी में, किसी में जाते हैं, महिंद्रा बजाज या एयरलाइंस इंडिगो किसी में आप जाते हैं, तो आपको 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 से इस तरह से आपको शुरुआत करेगा फ्रेशर को। वही होता है गवर्नमेंट में कि आपको अगर जॉब लग गया तो डायरेक्ट आपको 25,000, 30,000, 35,000 से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको 5 साल बाद गवर्नमेंट का और 5 साल बाद प्राइवेट का दोनों का ना सेम सैलरी हो जाता है। अगर किसी से आप पूछिएगा जो पॉलिटेक्निक करके जॉब कर रहे हैं, वो प्राइवेट में करें या गवर्नमेंट से, वो दोनों का ना सेम हो जाता है, क्योंकि फ्रेशर से बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो प्राइवेट वाले क्या करते हैं कि उनको ऐसा बंदा को आवश्यकता पड़ता है कि जो एक्सपीरियंसेस हो, अगर उस वो एक्सपीरियंसेस रहेगा तो उसको कंपनी को आगे की ओर ले जाएगा, तो वो चाहता है कि 50,000, 60,000 तुम सैलरी लो में कि हमारा जो कंपनी है उसको आगे तक ग्रोथ ले जाओ, आगे ग्रोथ करो। वही काम करने के लिए प्राइवेट वाले एक्सपीरियंसेस को दम गवर्नमेंट जितना सैलरी देती है उतना देती है, ठीक है ना। इसमें आप सभी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको नहीं गवर्नमेंट जॉब करना है, नहीं आपको प्राइवेट जॉब करना है, ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, नहीं प्राइवेट जॉब करना है, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे उनके मन में डाउट होगा कि नहीं भाई प्राइवेट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ये गवर्नमेंट जॉब करेंगे, तो सेल्फ डिपेंडेंट जॉब करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब करना चाहते हैं डिप्लोमा करने के बाद, तो आप क्या कीजिए, पहला है आपके पास ऑप्शन है टीचर बन सकते हैं आप पॉलिटेक्निक करने के बाद, आप पॉलिटेक्निक का सेल्फ डिपेंड कर सकते हैं, टीचर्स बन सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकते हैं अगर आप पॉलिटेक्निक करके, अगर प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो जितना आप सभी को हम बताए हैं सभी के सभी में 50,000-60,000 सैलरी है। अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो प्राइवेट में लगभग सभी का शुरुआती आपका 10,000-20,000 से होगा, लेकिन आप सभी का 5 साल बाद 50,000-60,000 सैलरी तक चली जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पता चल गया होगा कि हम पॉलिटेक्निक करने के बाद कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।